हेलो एवरीवन, आज हम लोग हमारे गेट 2016 का 2 मार्क्स के क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। फॉल्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है। कौन सा फॉल्ट आया है? देखिए, हमारे पास लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट यानी एलजी फॉल्ट आया है। फॉल्ट क्या है? फॉल्ट हमारे पास जनरेटर टर्मिनल पर आया है, एट द टर्मिनल्स ऑफ द जनरेटर्स, यानी आप लोग यहाँ फॉल्ट अप्लाई कर सकते हैं। तो पहले तो अगर आप लोगों को एलजी फॉल्ट करंट या फॉल्ट करंट का वैल्यू निकालना है, और ध्यान रखना पर यूनिट में निकालना है, तो सारी कैलकुलेशन पर यूनिट में चलेगी। आप लोगों को एलजी फॉल्ट करंट का फॉर्मूला पता होना चाहिए। सबसे पहले तो एलजी फॉल्ट करंट का फॉर्मूला कितना होता है? 3 टाइम्स ऑफ आई ए नॉट। और आप लोगों को पता होना चाहिए कि आई ए नॉट का फॉर्मूला क्या होता है। ध्यान रखना तीनों सिक्वेंशियल नेटवर्क किस में कनेक्ट होते हैं? सीरीज में कनेक्ट होते हैं एलजी फॉल्ट में। इसलिए कौन कौन ऐड हो जाएगा? Z1 प्लस Z2 प्लस Z0, और अगर दिया हुआ हो तो 3Zn प्लस 3Zf भी ऐड हो जाएगा। Zn क्या है? न्यूट्रल इंपीडेंस, और Zf क्या है हमारे पास? फॉल्ट इंपीडेंस। यहां आ जाइए, हमारे पास सबसे पहले E की बात कर लें। तो देखो, हमें क्वेश्चन में क्या कहा गया है? हमें क्वेश्चन में V के बारे में, E के बारे में कुछ नहीं दिया हुआ। तो ध्यान रखना आपको बाय डिफॉल्ट 1 ले लेना है। ये आप लोगों ने 1 ले लिया। Z1 कितना दिया हुआ है? तो देखो J0.4, लेकिन ये थोड़ा सा दिक्कत है। आप लोगों को बोथ दी जनरेटर्स आर हैविंग पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो सिक्वेंस इंपीडेंसेस दिए हुए हैं रेस्पेक्टिवली, यानी आपको जनरेटर्स का अलग अलग दिया हुआ है। तो देखो, दोनों जनरेटर किसमें हैं? पैरेलल में। पहला काम है आपको इसके 3 नेटवर्क बनाने हैं, एक पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव, तीसरा जीरो सिक्वेंस। बताओ, 2 जनरेटर पैरेलल में हैं, तो बताओ नया पॉजिटिव सिक्वेंस क्या होगा? ओवरऑल 2 पैरेलल में हैं, तो जितना भी 0.4 दिया हुआ है उसको डिवाइड बाई क्या कर दें आप लोग? 2 कर दें। पैरेलल में है, पैरेलल में इंपीडेंस हमारा हाफ हो जाएगा। वैसे ही नेगेटिव सीक्वेंस की बात करें तो दोनों पैरेलल में हैं, तो J0.3 दे रखा है, डिवाइड बाय 2 करेंगे, कितना हो गया? J0.15। अब बात आती है Z0 की, इसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। बताओ Z0 यानी जीरो सीक्वेंस इंपीडेंस वहीं आप लोगों का प्रेजेंट होगा जहां जीरो सीक्वेंस करंट फ्लो होती है। बताओ ऊपर वाले जनरेटर का न्यूट्रल ग्राउंड से कनेक्ट है क्या? नहीं। बताओ इसका न्यूट्रल ग्राउंड से कनेक्ट नहीं हो, जिसका न्यूट्रल ग्राउंड से कनेक्ट नहीं होता उसमें जीरो सीक्वेंस करंट फ्लो नहीं होता, यानी इसका तो Z0 लेना ही नहीं है। बताओ इसका न्यूट्रल ग्राउंड से कनेक्ट है क्या? हाँ, इसका न्यूट्रल ग्राउंड से कनेक्ट है, यानी इसका जीरो सीक्वेंस लेना है। अब बताओ सर्किट में ये जनरेटर में तो करंट ही फ्लो नहीं हो रही, यानी एक ही जनरेटर का जीरो सीक्वेंस लेना है, तो एक ही जनरेटर का कितना है? J0.15। बस ये ले लेना, इसको डिवाइड बाई 2 करने की जरूरत नहीं है। तो बताओ अभी आप लोगों ने 2 पैरेलल कनेक्टेड जनरेटर्स के क्या क्या निकाले? Z1, Z2 और Z0। Z0 ध्यान रखना वहीं प्रेजेंट होगा जहां न्यूट्रल किससे कनेक्ट होगा? ग्राउंड से। यहाँ वैल्यू पुट करने, बताओ Z1 का वैल्यू, जे तो कॉमन ले लेते हैं, कितना आ जाएगा आपके पास? 0.2 प्लस 0.15 प्लस 0.15। एज यू नो 0.15 इज 0.3 प्लस 0.2 इज 0.5, 0.5 ऊपर जाएगा तो 2 हो जाएगा। तो हमारे पास आंसर ये आ गया है माइनस का J6PU। आप लोगों से PU पूछा है, मैग्नीट्यूड ही बताना है आप लोगों को, तो कितना आ जाएगा? 6PU इज द करेक्ट आंसर। हम लोग इसका सॉल्यूशन देख सकते हैं। यहाँ जाइए आप लोग, देखिए Z0 तो एज इट इज आ जाएगा। क्यों? क्योंकि एक जनरेटर का तो न्यूट्रली ग्राउंड से कनेक्ट नहीं है, तो उसका तो Z0 हमको लिखना नहीं, एक ही जनरेटर का लिखना है, लिख लिया। और Z1 Z2 में डिवाइड बाई 2 हो जाएगा क्योंकि दोनों पैरेलल में है। उसके बाद आप लोगों को फॉल्ट करंट का फॉर्मूला 3V अप प्री फॉल्ट एंड ऑल दैट, ठीक है? सिर्फ मैग्नीट्यूड निकाला है। ओके, थैंक यू।